इंदौर जिले में लोकसभा निर्वाचन की व्यापक तैयारियां जारी हैं। जिले में 13 मई को मतदान होगा। मतदान दलों को 12 मई को मतदान सामग्री का वितरण नेहरू स्टेडियम से किया जाएगा। सामग्री वितरण के लिए 750 से अधिक अधिकारी कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। मतदान सामग्री वितरण एवं मतदान के पश्चात सामग्री वापस प्राप्त करने के कार्य का प्रशिक्षण दिया गया है। कलेक्टर ने बताया कि इंदौर में 13 मई को मतदान होगा और इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान जिला प्रशासन की तैयारियों पर तमाम विस्तार से जानकारी दी। देखिए, गर्मी को देखते हुए एक तो जितने एरिया में टेंट लगता था इस बार हम लोग उस एरिया को बढ़ा रहे हैं। जितने में या तो खुला छोड़ते थे या जो छोटा वाला टेंट लगता था उसके बजाय पूरे को ही हम लोग डोम से कवर कर रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर एयर कूलर्स और जो दूसरी इस प्रकार की व्यवस्थाएं रहती हैं उनमें भी बढ़ोतरी करी जा रही है। इसके साथ साथ सभी भी जो हमारे मतदान कर्मचारी आएंगे उनको समस्या ना हो इसके लिए ठंडे पानी की भी व्यवस्था रहेगी और इसके साथ साथ उनके लिए छाछ की व्यवस्था भी करी जा रही है जिससे कि गर्मी के समय उनको किसी भी तरीके की असुविधा का सामना ना करना। मेडिकल टीम वैसे रहती है पर इस बार बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हो रही है? देखिए, पहले से ही पर्याप्त रूप से मेडिकल टीम का प्रावधान रहता है। इस बार खासतौर पर गर्मी और दूसरी वजहों से जो समस्याएं आ सकती हैं उनके लिए वो टीम ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार होकर आई है सुनिश्चित। देखिए, आज सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रतिनिधियों के साथ में और जनरल ऑब्जर्वर साहब की उपस्थिति में ईवीएम का सेकेंड रैंडमाइजेशन किया गया है और इसके बाद आज के रैंडमाइजेशन के बाद में कौन सी बीयू, कौन सी सीयू, कौन सी वीवीपैट आपस में जुड़ेंगी ये चीज़ निर्धारित हो जाती है और इसके बाद कमिश्निंग का जो ईवीएम कमिश्निंग है उसका काम 3 तारीख से हमारा चालू हो जाएगा और उसके बाद मशीनों की तैयारी करके फिर उसके बाद में जो लास्ट रैंडमाइजेशन होता है जिसमें बूथ अलॉट किए जाते हैं वो किए जाते हैं।